तो यो एनिमे डूड्स एंड वेलकम बैक टू एनिमे टेल जोन, जहाँ पे आपको बेब्लेड से रिलेटेड एंड एनिमे से रिलेटेड कंटेंट को मिलते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले शुकुरुनाई के बारे में। जो शुकुरुनाई था, उसने एवोल्यूशन में अपने बेब्लेड को लेफ्ट स्पिन मतलब ड्यूल स्पिन में कैसे लाया, मतलब क्यों किया उसने। मतलब पहले तो राइट स्पिन था पर उसने ड्यूल स्पिन क्यों किया एंड हाँ, साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो शू है वो बाकी सबसे थोड़ा आगे रहता है एंड मैं इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ कि वो सब बाकी सबसे कैसे आगे रहता है, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, बेबी टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इसके बारे में बात करना, चलो फाइनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, शू ने मेरे अकॉर्डिंग, मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग, सब थ्योरी होने वाला है और सब मेरे ओपिनियन होने वाला है, कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो, मेरा जो ओपिनियन है, मेरे अकॉर्डिंग जो शू था उसको स्ट्रॉन्ग बनना था एवोल्यूशन में, क्योंकि वो लुई ऐसे बेब्लेड से हार रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अपने स्प्रिजन को, मतलब स्प्राइगन को अगर राइट स्पिन में रखूँगा तो मैं उस बाकी सबको नहीं हार पाऊँगा। इसने उस काउंटर मोड भी, मतलब यानी कि जो लेफ्ट स्पिन है उसको भी एनेबल कर लिया, जिसकी वजह से मतलब वो लेफ्ट स्पिन बेब्लेड को भी टक्कर दे पाएगा और राइट स्पिन बेब्लेड को भी टक्कर दे पाएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग उसने शायद दो, तो इसलिए शू ने ड्यूल स्पिन का जो ऑप्शन है वो अपने बेब्लेड में लगा दिया। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि शू के पास बेटर टेक्नोलॉजी है बाकी सबसे, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो शू है उसने जब एवोल्यूशन में लेजेंड्स प्रेजेंट को अपग्रेड किया था तो उसमें लेफ्ट स्पिन था, मतलब ड्यूल स्पिन था, तो एक नया मोड था। उसने बाकी सब बेब्लेड से पहले अपने बेब्लेड में एनेबल किया था एंड उसके बाद जो सुपर, मतलब सुपर गॉड भी जो उसके पास था, मतलब स्प्राइगन, उसमें तो एक जैठा ड्राइवर था जिसकी वजह से वो मतलब अपने ड्राइवर को चेंज भी कर सकता था, तो उसके पास एक अलग से हायर टेक्नोलॉजी थी। तो तुम कह सकते हो मतलब जो स्पाइन क्रीम था वो तो बाकी सब बेब्लेड से थोड़ा बहुत ऊपर ही था और उसका टेक्नोलॉजी भी बहुत अपग्रेडेड था। एंड जब वो टर्बो में आया था तो उसने टर्बो, डायरेक्ट टर्बो में नहीं, टर्बो एवाकिन बेब्लेड बनाया था, मतलब बाकी सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी, और फर्स्ट टर्बो एवाकिन भी शू ने ही बनाया था। तो तुम समझ सकते हो कि शू कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी आगे में। और यही नहीं, जीटी में तो नहीं आया था, स्पार्किंग में भी उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड थी, क्योंकि जो स्प्राइजन था वो अपना जो है ना लेयर फ्लिप करके लेफ्ट मोड में आ सकता था, और जो उसका चासिस था वो फ्री स्पिन कर सकता था, एंड साथ में उसके पास तो लेफ्ट एंड राइट मोड था ही, उसके पास चासिस का भी मोड था एंड जो उसका ड्राइवर था वो भी बहुत मस्त था। और इसी के साथ जो स्प्राइजन का लेयर था, मतलब वर्ल्ड स्प्रिगन का लेयर, उसके अंदर विंग भी थी। और सच बताऊँ तो स्प्राइजन के अंदर बहुत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो बाकी बर्स बेब्लेडर्स के पास नहीं थी स्पार्किंग में। तो तुम देख सकते हो कि बाकी ब्लेडर्स के पास वो सब नहीं था, मतलब शू के पास लेफ्ट मोड था, मतलब लेयर में विंग्स थे एंड साथ में उसका चासिस फ्री स्पिन कर सकता था लेन की तरह, मतलब लेन की तरह एक बैरियर क्रिएट कर सकता था। तो तुम समझ सकते हो शू का जो टेक्नोलॉजी क्रिएट है, मतलब वो बाकी सबसे दो एक गुना आगे बढ़ रहा है, मतलब तुम कह सकते हो। और हो सकता है डीबी में और भी कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी के शू के बेब्लेड के साथ। तो बिस्मिल्लाह, हमेशा खुदा हाफिज़।